पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर और जिले के नवनियुक्त प्रभारी और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश यादव ने प्रथम बार गुरुवार को मुरादाबाद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसके बाद बुद्धि विहार स्थित पार्टी कार्यालय पर परिचयात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला और महानगर प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हम सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कमर कसनी पड़ेगी और लोकसभा चुनाव में अटूट मेहनत करके अपने अपने बूथों पर कमल खिलाना होगा। जब हर बूथ पर कमल खिलेगा तो हमारा लोकसभा प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से विजयी होकर लोकसभा में पहुंचेगा और केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। पहली बार मुरादाबाद पहुंचे नवनियुक्त प्रभारी और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश यादव ने मुरादाबाद के भाजपा कार्यकर्ताओं को जमकर कड़ी फटकार लगाई। स्वागत समारोह चल रहा था, जिसके बाद सभी अव्यवस्थित हो गए और इस दौरान नवनियुक्त प्रभारी गुस्सा हो गए, जिसके बाद उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए फिर से सभी को व्यवस्थित किया और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अभी सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। अभी करेंगे, आप अवस्थित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जानी जाती है कि पार्टी विद अ डिफरेंस। हम अनुशासन कार्यकर्ता वो ऐसे लड़ेंगे जो ना तो किसी के नाम याद रहेगा। भाई साहब, मेरा फोटो किसने लिया है? पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।